सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सरोज का रिश्ता के साथ आपने जुड़ने का फैसला कब किया, कैसे किया, और अब जब फिल्म बनके तैयार है कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? फिल्म की जर्नी के बारे में अगर कुछ बताया मतलब। फिल्म की जर्नी के बारे में बताऊं तो अब आपने क्वेश्चन किया कि मैं जुड़ा कैसे। अभिषेक को मैं काफ़ी टाइम से जानता था एंड अभिषेक ने मुझसे काफ़ी डिस्कशन किए कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ, एक बार सुनते हैं। देन जब ये आइडिया मैंने सुना ना तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इस रीज़न से क्योंकि एक फैट गर्ल की कहानी है और जब भी हम लोग ने फैट गर्ल की कहानी देखी है तो हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि यार टेंशन भरी होगी, माँ बाप के ऊपर बोझ होगी। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जहाँ पे वो फैट गर्ल बोझ नहीं है, फैट गर्ल अपने में एक कैरेक्टर है, फैट गर्ल अपने में एक मज़ेदार पर्सन है जो इंजॉय कर रही है लाइफ। तो ये बेसिकली एक्साइट कर रही है चीज़। तो कैसा यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मतलब होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ जब प्लान करते हैं करने की उस टाइम पे सोचते हैं कि कैसा जाएगा, एक स्ट्रेस रहता है। बट ओवरऑल क्योंकि देखो जब एक अच्छी चीज़ होती है और अच्छा कंटेंट होता है ना उसके तहत हर कोई एक्साइट होता है, तो वही एक्साइटमेंट ओवरऑल जर्नी में नज़र आई है। राइट फ्रॉम जो हमारे दो एक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम सरोज, मतलब वो अलग ही लेवल था क्योंकि सब सेम पेज पे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था। नाज़िया जी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने इस फिल्म के बारे में सुना था और कहानी के बारे में, और क्या क्या डिस्कशन हुआ था आप दोनों के बीच में? नाज़िया ही बेसिकली जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सुना था तो नाज़िया के रिएक्शन मुझे ज़्यादा मिला था क्योंकि एक्चुअली प्रोड्यूसर नाज़िया ही हैं। एंड नाज़िया को इसलिए कन्विंसिंग लगा क्योंकि एक लड़की ही कहानी है एंड नाज़िया एज ए प्रोड्यूसर उसने सोचा कि उसके लिए ये बेस्ट सब्जेक्ट होगा एज अ प्रोड्यूसर आने के लिए, तो उसका एक्साइटमेंट यस काफ़ी हाई था। सर, आईना प्रोडक्शंस की बात करें, क्या मोटो है आईना का, अगर कुछ बताया उस बारे में, किस तरह की फिल्में आप लोग देख रहे हैं क्योंकि एकदम अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, तो आगे आने वाले समय में कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप देखते हैं, क्या मोटो है? तो आईना प्रोडक्शन एक्चुअली ये हमारा फर्म हमने किया था काफ़ी साल पहले एंड जो सरोज का रिश्ता है ये हमारा लॉन्ग फॉर्म फर्स्ट प्रोजेक्ट है। बाकी इससे पहले हमने एडवर्टाइजमेंट, प्रोमोज, म्यूज़िक वीडियो काफ़ी किए हुए हैं एंड फिल्म में लॉन्ग फॉर्म में ये पहला प्रोजेक्ट है एंड इंशाल्लाह हमारे लिए आने वाले सालों में आफ्टर सरोज का रिश्ता हमारे कई प्रोजेक्ट्स पे प्लानिंग है, इवन वेब सीरीज़ की प्लानिंग है, फिल्म की प्लानिंग है। बट जैसे ऐसे लाइफ चलती जाएगी इंशाल्लाह वर्क करेगा, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत। आना का मोटो है कि अच्छी फिल्म बनाए, जो क्योंकि हम सिनेमा लवर हैं एंड हम चाहते हैं कि आना प्रोडक्शन जो भी प्रेजेंट करे वो अच्छा, खूबसूरत, प्यारा सा प्रोजेक्ट हो, यही हमारी कोशिश है। राइट नाउ मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ बट ऑफकोर्स मेरे तीन चार प्रोजेक्ट्स पर मैं काम चल रहा हूँ, फाइनलाइजेशन बाकी है। बट यस, बहुत जल्दी आप लोग को न्यूज़ मिलेगी, मे बी फिल्म और वेब सीरीज, बट श्योर 100%। या सरोज का रिश्ता इसलिए ज़रूर देखनी चाहिए आप लोगों को और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग देखें क्योंकि बहुत आजकल जितना भी हेक्टिक एंड जो टेंशन भरा माहौल चल रहा है उसमें एक छोटी सी प्यारी सी फिल्म है जो हमने कोशिश की है कि एक सही मैसेज दें कि लड़कियां बोझ नहीं होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं और लड़कियां भी मज़ेदार होती हैं। तो ये कोशिश है एंड बहुत ही प्यारे तरीके से बनी है फिल्म, बहुत ही जितना हम कोशिश कर पाए, जितना हम लोग जस्टिस दे पाएँ, बाकी आप लोग बताएंगे। थैंक यू सर।